पापा, मुझे मुर्गी समझकर इस डेग में क्यों डाल दिया है? मुझे उबालने लगे हैं। हमजा बेटा, तुम अभी कच्चे वजीरे आला हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह पकाकर पक्का वजीरे आला बनाना चाहता हूँ। जो है आपको कच्चा समझकर परवेज इलाही कच्चा चबाने की जो है बार बार जो है कोशिश करता है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें अच्छी तरह पकाएं, जिस तरह भट्टे पर ईंटें पका पका कर मजबूत की जाती है। आपको अच्छी तरह दम लगाकर कुर्सी पर बिठाएंगे। ऐसा एक बार साहब, वो अफसर मुअत्तल करने वाला मसाला पकड़ा है। जी जी। पापा, पानी मुझे गरम गरम लग रहा है, आप मुझे क्यों इतना पका पका कर मेरी यखनी बनाना चाहते हैं? वो जो है वज़ीर आज़म साहब, इसमें जो है हबीब जालब की शायरी का मसाला भी डालें, वो जो है इसके बग़ैर जो है वज़ारत आला की बिरयानी फीकी फीकी लगती है। देखो ठीक है, पकड़ा है मुझे। ये तो मुझे भी बड़ी पसंद है, इसके बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। डैड, मुझे अब तो बाहर निकाल ले, मैं काफी पक गया हूँ, चाहे चक्कर देख ले, अब तो मेरे जूते भी पक गए हैं। ओ छोटे मियाँ साहब, जूते तो दोबारा भी मिल जाएंगे, लेकिन अब वजारत आला गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। देखो बेटा, अच्छा भला मुर्गियों को दाना डालते थे, अंडे इकट्ठे करते थे, तुम नहीं, तुमने जिद की के मैंने वजीरे आला बनना है। वो जो है वजीरे आला बनना इतना आसान नहीं जितना मुर्गी का अंडा देना। वो जो है आपको वजीरे आला बनना है तो अच्छी तरह से पकना होगा। आपने समझा, जैसे पोल्ट्री फार्म चला लिया वैसे ही वजारत आला भी चला लेंगे। देखो बेटा, यहाँ असेंबलियों में सियासतदान होते हैं, मुर्गियाँ नहीं कि जब चाहो उनके अंडे उठाकर आमलेट बना लो। बेटा हमजा, एक माह हो गया है तुम्हें वजीरे आला बने हुए, मगर एक बार भी तुमने अभी तक माइक नहीं तोड़ा। वो जो है आपके वालिद ने तो जो है हर चैनल के वो जो है 10-10 जो है माइक तोड़े हैं। ओ पापा, ओ अब्बा जी, मेरी खाल जलने लगी है, मुझे बाहर निकालो। अब सही पक रहा है हमारा वजीर आला, मैं आग और तेज करता हूँ। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, खुद ही पक जाएगा। ओ पापा जी, अपने पास रखें अपनी वजारत आला, मुझे आपने जैसी कुकड़ी समझ लिया है, जो मेरा सूप बना के वजारत आला चलानी है, मैं जा रहा हूँ। और जो है आजकल के बच्चे जो है 2 मिनट देख में खड़े नहीं हो सकते, तो जो है ये सियासत की गर्मी वो जो है क्या झेलेंगे। सियासत तो वो जलता हुआ तंदूर है और जिसमें हम सब और रोटियों की तरह पक रहे हैं। हमजा, हमजा मेरी बात सुनो, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, सिर्फ दम लगाना बाकी रह गया था। मैं तुम्हें अच्छी तरह पकाकर ईंट से भी मजबूत बना दूंगा। अरे पापा, मैं कच्चा ही ठीक हूँ, अभी आप मुझे उबाल रहे हैं, कल मुझे भूनना शुरू कर देंगे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा मेरा बेटा।